सकती है गुजारा भत्ता। कोर्ट ने सुनाया है सुप्रीम फैसला। आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 125 का हवाला देते हुए मुस्लिम महिला भी अब जो है गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिला के लिए लागू होता है। बता दें कि जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज महीन ने इस मामले पर सुनवाई की है और दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और सभी विवाहित महिलाओं पर ये लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की क्यों ना हो। तो अब इसका सबसे बड़ा फैसला मुस्लिम महिलाओं को होगा, क्योंकि जिनका तलाक हो जाता है, जिनके पति उन्हें 3 तलाक देके अलग हो जाते हैं बड़ी आसानी से, उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि वे अब अपने पति से भी गुजारा भत्ता मांग सकेंगी।